नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो मैं बताने जा रहा हूं, जो आज का टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका कि प्रेडिक्शन करते वक्त कुंडली की बहुत इस्तेमाल होता है, और वो है गोचर। गोचर यानी ग्रहों का चलना। गोचर को कैसे देखें कुंडली में, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज होती है। गोचर देखने के बहुत तरीके होते हैं। चंद्र से गोचर देखते हैं, ग्रहों से गोचर देखते हैं, दशांतर दशा का गोचर देखते हैं। तो किस तरह के गोचर, कितने प्रकार के होते हैं, गोचर को कैसे देखा जाए, ये सब चीज मैं आपको आने वाली 2-3 शायद वीडियो बनेगी इसके ऊपर, लेकिन बताऊंगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिनको अगर आप समझ लेंगे तो प्रेडिक्शन करने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी, बहुत सुगमता रहेगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं टॉपिक पे आता हूँ और प्रेजेंटेशन को लगा देता हूँ उसके ऊपर, ताकि आपको पता चलता रहे। ये देखिए, मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि गोचर कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले हम लोग नॉर्मली पढ़ते आए हैं कि चंद्र जन्मकालीन चंद्रमा जहां पे है वहां से गोचर देंगे, लेकिन बहुत जरूरी है कि जितना रोल चंद्रमा का है उतना ही रोल लग्न का भी होता है, क्योंकि लग्न आप स्वयं है, तो स्वयं से भी गोचर देखना बहुत आवश्यक है। अगर मस्तिष्क से मन से गोचर देखना आवश्यक है, तो स्वयं से देखना भी बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले जो गोचर देखा जाना चाहिए, वो देखा जाना चाहिए कि जन्म लगन से, यानी जो कुंडली में आपका जन्म लगन है। तो अगर कन्या लगन है तो कन्या लगन से ही बना के आज का गोचर देखें। आज का गोचर अगर आप देखना चाह रहे हैं तो कन्या लगन बना लें, और कन्या लगन से बाकी ग्रह वैसी गोचर में रखें, और फिर आप गोचर देखें। दशा अंतर दशा से, ये बहुत इंपॉर्टेंट गोचर होता है कि दशा और अंतर दशा से भी गोचर देखा जाना चाहिए। इसके अंदर भी यही होता है कि आप अंतर दशा को या महादशा से जिससे भी गोचर देखना है उसको लगन बना लीजिए गोचर में, और फिर उससे गोचर देखिए कि कैसा गोचर चल रहा है एक दूसरे से, मतलब ग्रहों में आपस में एक दूसरे से, कि बृहस्पति बुध के सापेक्ष कहां गोचर कर रहा है, मंगल बुध के सापेक्ष कहां गोचर कर रहा है। तो ग्रहों का आपस में एक दूसरे से गोचर देखना भी बहुत आवश्यक होता है। चंद्रमा से तो बताया, जैसा कि चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मनसो जात, तो चंद्रमा से गोचर देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना लग्न का इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट चंद्रमा से गोचर देखना भी इंपॉर्टेंट है। तो वो गोचर हम देखते हैं जन्मकालीन चंद्रमा से, यानी आपकी D1 चार्ट में, आपकी कुंडली में जहां पे चंद्रमा बैठा है उस राशि को लग्न बना लेते हैं गोचर के लिए, और फिर गोचर में उस राशि से डिफरेंट डिफरेंट ग्रहों का गोचर देखते हैं कि शनि का गोचर कैसा है, शुक्र का गोचर कैसा है, अंतर दशानाथ का गोचर कैसा है, महादशानाथ का गोचर कैसा है। इस तरीके से सारे गोचर हम इसके अंदर देखते चले जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लिया किस ग्रह से दूसरे ग्रह किस स्थान में चल रहे हैं, ये देखना है हमें गोचर में, किस ग्रह से दूसरे ग्रह किस स्थान में चल रहे हैं, यानी बुध बृहस्पति से किस स्थान में चल रहा है। तो अगर केंद्र त्रिकोण में चल रहा हो, 4-10-3-11-5-9 में हो एक्सिस उसका, तो अच्छा माना जाएगा। अगर बुध और बृहस्पति का एक्सिस 6-8 का हो, या 2-12 का एक्सिस हो आपस में, यानी बुध से बृहस्पति 8 नंबर पे हो, या बुध से बृहस्पति 6 नंबर पे हो और बृहस्पति से बुध 8 नंबर पे हो, तो 6-8 का एक्सिस हो गया। तो ये जरूरी है कि जब दो ग्रहों का गोचर आपस में आप देखें, चाहे वो बुध बृहस्पति हो, चाहे मंगल शनि हो या शुक्र शनि हो, जब भी दो ग्रहों का गोचर देखें तो यह जरूर देखें कि दोनों के बीच में एक्सिस क्या है, मतलब वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, वो देखने के बाद ये डिसाइड करें। अगर 4-10-3-11-5-9 का एक्सिस होगा तो गोचर अच्छा माना जाएगा, और अगर 6-8 या 2-12 का एक्सिस होगा तो गोचर अच्छा नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट होती है, कि इसको मैं स्लाइड को पूरा बड़ा कर देता हूं आपके लिए, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे, थोड़ा देखने में आसानी रहेगी। हाँ, इसमें यह होता है कि लग्नेश और भावेश, इन दो का गोचर जरूर देखना चाहिए, सदैव देखना चाहिए कुंडली के अंदर। जब भी कोई कुंडली आपके पास आए तो कुंडली में देखो, जो लग्नेश है आपका, यानी जो D1 चार्ट का लग्न का स्वामी है वो, और जिस भाव की आप बात कर रहे हो,
जिस भाव के रिजल्ट को आप देखना चाहते हो, सपोज करो कि आप चौथे भाव के रिजल्ट को देखना चाहते हो, तो चौथे भाव का स्वामी लगन का स्वामी और चौथे भाव के स्वामी का गोचर आपस में देखिए, गोचर में कहां है वो एक दूसरे से। आई रिपीट कि लगन लग्नेश यानी लगन भाव का स्वामी, लगन में जो राशि है उसका स्वामी लग्नेश, और जिस भाव का आप रिजल्ट देखना चाहते हो, सपोज करो कि आप छठे भाव का रिजल्ट देखना चाहते हो, तो छठे भाव का स्वामी जो आपका बने, सपोज कीजिए कि वो स्वामी आपका बुध बनता है, लग्नेश आपका मंगल बनता है, तो मंगल और बुध को यानी लग्नेश और भावेश को गोचर में आप देखें कि वो गोचर में एक दूसरे से कौन सा एक्सिस लिए हुए हैं। अगर वो एक दूसरे से गोचर में 5-9 या 3-11 या 4-10 का एक्सिस लिए हुए हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो उस भावेश से यानी जिस भाव की हम फल की बात कर रहे हैं उस भाव से हमें अच्छे फल मिलते हैं। लेकिन यदि हमें देखना है कि सातवें भाव के फल हमें कैसे मिल रहे होंगे, तो सातवें भाव का स्वामी जो भी हो उसको नोट कर लीजिए, लगन का स्वामी जो हो उसको नोट कर लीजिए, और उन दोनों को गोचर में देखिए। उन दोनों को गोचर में जब आप देखेंगे तो वो देखिए कि वो क्या एक दूसरे से 5-9 का एक्सिस बना रहे हैं, एक दूसरे से 6-8 का एक्सिस बना रहे हैं, एक दूसरे से 2-12 है या 3-11 है या 4-10 है, तो वो देखना बहुत जरूरी है। तो 5-9, 3-11, 4-10 इस तरीके से एक्सिस हो तो बहुत अच्छा होता है, उस भाव के फल अच्छे मिलेंगे जिस भावेश के लिए हम देख रहे हैं। और यदि एक्सिस 6-8 का हो या 2-12 का हो तो उस भाव के फल अच्छे नहीं मिल पाएंगे जिस भावेश के लिए हम गोचर देख रहे हैं। तो इसमें मैंने नीचे एग्जाम्पल भी दिया है, सपोज कीजिए मंगल लग्नेश है और शनि लाभेश है, तो मंगल और लग्नेश गोचर में 6-8 हुए तो अच्छी दशा होते हुए भी लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि शनि लाभ भाव का स्वामी है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई हमारे लाभ भाव का स्वामी है, क्या हमें लाभ मिलेगा आज? सपोज कीजिए लाभ भाव के ग्रह की दशा चल रही है, जो भी है आपकी शनि की दशा ही चल रही है और शनि आपका केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो आप कहेंगे यार शनि की दशा चल रही है, केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है तो हमें तो लाभ मिलना चाहिए, तो अच्छा है पैसा इन्वेस्टमेंट करें, लाभ मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए देखना जरूरी है गोचर में क्या स्थिति हो रही है लग्नेश की और लाभेश की। लग्नेश मतलब जो आपके डीवन चार्ट का लग्नेश है उसकी, और जो डीवन चार्ट का लाभेश है उसकी गोचर में स्थिति देखो। अगर वो गोचर में 6-8 में भ्रमण कर रहे हैं तो दशा होते हुए भी लाभ नहीं मिलेगा, आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। आप समझ गए होंगे, फिर भी एक बार मैं दोहरा देता हूं कि मंगल है आपका लग्नेश डीवन चार्ट का, शनि है आपका लाभेश, और आपके लाभेश की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, और वो दशा अनुकूल दशा है यानी उसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए। तो आप ये देखना चाहते हैं कि मैं पैसा लगाऊं तो मुझे फायदा होगा या नहीं होगा, तो उस केस में लग्नेश के साथ लाभेश का गोचर में एक्सिस देख लीजिए। अगर लग्नेश और लाभेश गोचर में 6-8 हुए तो दशा होते हुए भी आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, तो जब तक इंतजार कीजिए जब तक कि गोचर में से 6-8 का एक्सिस 5-9 का, 4-10 का या 3-11 का या ऐसा ना बन जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने नीचे इसमें व्याख्या की है कि प्रश्न है मेरी लाभेश की दशा चल रही है, लाभेश कोई भी ग्रह हो सकता है, पैसा लगाऊं या इन्वेस्ट करूं लाभ मिलेगा या नहीं, तो गोचर में लग्नेश लाभेश अगर 5-9 में है तो अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन उसमें दो चीज ध्यान देने वाली बात होती है, एक चीज ये है इसके अंदर ध्यान देने वाली बात कि आपको एक तो गोचर में देखना जरूरी है कि गोचर में तो लग्नेश और लाभेश का एक्सिस 5-9 का है, लेकिन डीवन में लग्नेश और लाभेश का एक्सिस 6-8 का है, तो उस केस में आपको पैसा मिलेगा लेकिन थोड़ा रुक के मिलेगा, मतलब पैसा आएगा लेकिन पैसा रुक रुक कर आएगा, कुंडली जो डीवन चार्ट है वो आपको मना कर रहा है, लेकिन गोचर चार्ट जो है वो आपको कह रहा है कि पैसा लेकर आएगा। लेकिन यदि गोचर में भी और डीवन चार्ट के अंदर भी लग्नेश और लाभेश का गोचर 5-9 हो जाए तो सर्टेनली आपको पैसा मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब जैसे किसी ने प्रश्न पूछा कि मेरे पुत्र को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरे पुत्र को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मेरा पुत्र कहां से देखेंगे? पंचम से देखेंगे। तो पंचमेश और नौकरी का कौन सा भाव होता है? दशम भाव होता है। तो पंचमेश और दशमेश का गोचर हमें देखना होगा कि पंचमेश और दशमेश अगर गोचर में 6-8 में या 2-12 में नहीं चल रहे हैं तो नौकरी मिल जाएगी। लेकिन डीवन का चार्ट में कभी देखना है आपको, अब सपोज कीजिए कि डीवन चार्ट में पंचमेश और दशमेश का गोचर 6-8 का है,
पंचमी से दसवीं से गोचर D1 चार्ट में 6-8 का है, तो वहां से तो नौकरी की मनाही है। लेकिन गोचर में अगर वो 5-9 का हो गया या 4-10 का हो गया पंचमी से दसवीं से गोचर, तो वहां से आपको हाँ मिल जाती है, तो वो हो जाता है। अगर दोनों में 5-9 है तो सर्टेनली नौकरी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होती उसके अंदर। ये एक चीज आपको ध्यान देने वाली इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझ लीजिए, एक्सिस को समझ लीजिए, ये बहुत जरूरी चीज है। 5-9 का मतलब ये है कि एक ग्रह दूसरे से 5 नंबर पे है, दूसरा ग्रह पहले से 5-9 नंबर पे है, तो वो 5-9 का एक्सिस बन जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें देखते हैं कि पंचमेश और दशमेश जातक का प्रश्न है कि मेरे पुत्र को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो पंचमेश इन्वॉल्व हो गया, दशमेश इन्वॉल्व हो गया। पंचमेश को लीजिए, दशमेश को देखिए, पंचमेश और दशमेश का देखिए कि एक्सिस D1 चार्ट में क्या है। अगर 6-8 है तो लगता है कि नहीं मिलेगी, बट अगर गोचर में 5-9 हो गया तो मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा परेशानी से मिल जाएगी। लेकिन D1 चार्ट के अंदर भी 5-9 है और गोचर में भी 5-9 हो गया तो सर्टेनली नौकरी मिल जाएगी। तो ये चीज हमें बहुत ध्यान देने वाली होती है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर गोचर में एक फॉर्मूला है, वो आप ध्यान रखिए लाइफ में, कभी भी जब भी कुंडली देखें तो उसको जरूर देखिए। ग्यारहवें भाव का स्वामी यानी आपकी जो कुंडली का 11वां भाव है, लाभ का भाव जो आपका होता है, उसका स्वामी यदि किसी राशि में, जिस राशि में है, मान लिया कि 11वें भाव का स्वामी यदि मेष राशि में है, किसी भी राशि में हो सकता है, कर्क में हो सकता है, मिथुन में हो सकता है, वृष में हो सकता है, किसी भी राशि में हो, तो मान लेते हैं कि हम वो मेष राशि में है 11वें भाव का स्वामी। तो 11वें भाव का स्वामी यदि मेष राशि में है तो उसका स्वामी कौन हुआ, मंगल हुआ। तो मंगल को आपको देखना है कि D9 में वो किस राशि में गया है। अगर वो D9 में गया है सिंह राशि में, तो सिंह राशि का स्वामी कौन हुआ, सूर्य। तो गोचर में जब भी और मंगल और सूर्य एक साथ मिलेंगे तो हमेशा धन की प्राप्ति होगी। ये एक आप ध्यान रख लीजिए, ये एक फॉर्मूला है जो CS पटेल साहब ने दिया था, जिनको जिनकी किताबें काफी इंपॉर्टेंट है, जिनके जो बहुत ही रेपुटेड ज्योतिष माने जाते हैं। तो ये इसमें ध्यान रखिए आप कि 11वें भाव का स्वामी जिस राशि में हो, 11वें भाव का स्वामी जिस राशि में हो, उसका स्वामी जिस नवांश में हो, और फिर उस नवांश का स्वामी जब दोनों एक साथ मिलेंगे गोचर में तो धन की प्राप्ति होगी। जैसे 11वें भाव का स्वामी यदि मेष राशि में है और उसका स्वामी हुआ मंगल, और यदि D9 में वो सिंह नवांश में है मंगल, तो उसका स्वामी हुआ सूर्य। तो मंगल और सूर्य जब एक साथ मिलेंगे तो धन की प्राप्ति होगी। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाला एक फॉर्मूला है, ध्यान दीजिए गोचर में। आपसे कोई पूछता है कि, बहुत प्रश्न ऐसे आते हैं जब आपसे कोई पूछता है कि साहब मेरी मुझे जॉब चेंज करना है तो क्या मुझे लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत लोग पूछते हैं, प्राइवेट कंपनीज के अंदर तो लोग नॉर्मली गवर्नमेंट सेक्टर में हों या पब्लिक सेक्टर के अंदर हों तो जॉब में आदमी एक बार जाता है तो लाइफ टाइम लगा रहता है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज में तो जो लोग जॉब छोड़ के जाते हैं, स्विच करते हैं, क्योंकि स्विच करने से कई बार उनको फायदा भी होता है, तो लेकिन कई बार फायदा भी होता है और कई बार नुकसान भी होता है, लेकिन स्विच करना जरूरी होता है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे रिलेशंस बन गए हों कंपनी के अंदर आपके, और ऐसे बॉस से इस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हों कि आपको छोड़ना जरूरी है। तो जब भी कोई पूछे आपसे कि सर मैं जॉब चेंज करना चाहता हूं तो मुझे लाभ मिलेगा क्या, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। तो वो कैसे देखें, तो अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा आपकी जो चल रही है, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा, यदि वह लग्नेश से 6-8 और 2 बार का एक्सेस है तो प्रॉब्लम होगी, ये आप ध्यान रखिए, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, क्योंकि आपको जो रिजल्ट उस समय देने वाली है वो बेसिकली अंतरदशा रिजल्ट देने वाली है या प्रत्यंतर दशा रिजल्ट देने वाली है। तो अगर उनका गोचर लग्नेश बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने आपसे पहले ही बताया कि हर भावेश्वर गोचर लग्नेश से देखिए, यदि अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा नाथ जो भी आपके बनते हैं, यदि वह लग्नेश से 6-8 या 2 बारे में गोचर कर रहे हैं तो आपका प्रोफेशन में प्रॉब्लम हो सकती है।
और यदि प्रोफेशन भाव यदि जन्मकालीन अगर वो 5-9 में और 4-10 में गोचर कर रहे हैं तो आपकी प्रोफेशन की प्रॉब्लम, आपको प्रोफेशन में लाभ मिल सकता है। अब जैसे आपसे कोई पूछता है, सपोज कोई पूछता है कि पैसा इन्वेस्ट करें फायदा मिलेगा या नहीं, तो प्रश्न कहाँ से हुआ? प्रश्न पे ध्यान दीजिए, पहले आप प्रश्न को सोचिए, पैसा इन्वेस्ट करें फायदा मिलेगा या नहीं, तो पैसा यानी धन, धन का भाव हुआ दूसरा, फायदा मिलेगा या नहीं यानी लाभ, लाभ का भाव हुआ ग्यारहवां। तो अब दूसरे भाव से और ग्यारहवें भाव से अंतर्दशानाथ और प्रत्यंतर्दशानाथ गोचर देखिए, क्या आपको अंतर्दशानाथ वास्तव में कुछ देना चाहता है? क्या आपको प्रत्यंतर्दशानाथ को देना चाहता है? दूसरे भाव से अंतर्दशानाथ गोचर अगर छठे में चल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अंतर्दशानाथ आपको बहुत संघर्ष से धन देगा। दूसरे भाव से अंतर्दशानाथ गोचर आपका आठवें भाव में चल रहा है तो इसका मतलब है कि आपको धन बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपके अंदर पीड़ा होगी, आपको कष्ट होंगे। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि आपके भाव से, भावे जो भी आपका भावेश है उससे अंतर्दशानाथ और प्रत्यंतर्दशानाथ गोचर कैसा चल रहा है उस भाव से। तो उस भाव से जैसा गोचर होगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो कैसा अगर 6-8 का गोचर हो या 8-12 में गोचर कर रहा हो तो वो अच्छा नहीं होता, तो वो एक देखना भी बहुत जरूरी। इसी प्रकार लाभ भाव से देखें, अंतर्दशानाथ गोचर लाभ भाव से देखें तो लाभ भाव से आपको मिल जाएगा। कि लाभ भाव से गोचर देखिए कि लाभ भाव से गोचर अगर 6-6 में चल रहा है अंतर्दशानाथ का या प्रत्यंतर्दशानाथ का, तो आप कह सकते हैं कि लाभ तो मिलेगा लेकिन संघर्ष से मिलेगा। लाभ भाव से गोचर अगर तीसरे भाव में चल रहा है तो आप कह सकते हैं कि लाभ तो मिलेगा लेकिन एफर्ट्स करने पे मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि जो आपको देखनी जरूरी होती हैं, कि लग्नेश का गोचर अंतर्दशानाथ से, भावेश का गोचर अंतर्दशानाथ से, भाव का गोचर अंतर्दशानाथ से, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भाव का मतलब किसी भी भाव को या किसी भी भावेश को अंतर्दशानाथ क्या रिजल्ट देना चाहता है वो डिपेंड करता है कि भावेश का या भाव का अंतर्दशानाथ से कैसा गोचर चल रहा है। तो यहां तक मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा, थोड़ा टिपिकल है लेकिन एक बार अगर आप समझ गए तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा इस चीज का। आपको अंतर्दशानाथ या प्रत्यंतर्दशानाथ, आपकी अंतर्दशा चल रही है, मान ली अंतर्दशानाथ ही लेते हैं, आपकी अंतर्दशा चल रही है शनि की, शनि आपको क्या देना चाहता है, तो आप हर भाव से शनि का गोचर देखिए, दूसरे से देखिए, तीसरे से देखिए, चौथे से देखिए, पांचवे से देखिए। जब आप हर भाव से गोचर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इस भाव का रिजल्ट वो देगा कैसे। दूसरे भाव से शनि अगर छठे भाव में गोचर कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि धन आपको संघर्ष से मिलेगा, लड़ाई झगड़े से मिलेगा, शत्रु से मिलेगा। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान देने वाली गोचर में होती है। गोचर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, भाव सिद्धि काल हम बोलते हैं उसको, कि उसमें होता क्या है कि आप ये आइडिया लगाइए उसके अंदर। शायद मुझे ये बोर्ड पे समझाना चाहिए था, मैं इसको शायद इस तरह से अच्छा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चीज को बोर्ड पे समझाऊं, क्योंकि गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ये ध्यान रखिए कि देखिए, जब भी कभी किसी भाव के रिजल्ट के लिए हम बात सोचते हैं कि भाव का रिजल्ट हमें कम मिलेगा, चाहे वो चौथा भाव हो, चाहे वो पांचवा भाव हो, छठा भाव हो, सातवां भाव हो, उसका रिजल्ट हमें कम मिलेगा, तो उसका रिजल्ट देखने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप लग्नेश को तो फिक्स कर दें। लग्नेश जहां बैठा है जिस राशि में उसको फिक्स कर दें। मान लिया लग्नेश आपका 4 नंबर राशि में बैठा हुआ है, और भावेश को घुमाएं। भावेश मान लिया बनता है आपका, सपोज कीजिए आप देखना चाहते हैं कि विवाह कब होगा, तो विवाह के लिए विवाह भाव का स्वामी मान लिया आपका शुक्र बनता है, सातवें भाव का स्वामी, तो वो भावेश हो गया विवाह भाव का। अब आपने देखना है कि विवाह कब होगा, तो भावेश को यानी विवाह वाले भाव को घुमाइए, शुक्र को घुमाइए, और लग्नेश जो भी आपका हो, सपोज करो कर्क लग्न है तो चंद्रमा लग्न हो गया, तो चंद्रमा से जब भी चंद्रमा की राशि में यानी 4 नंबर राशि में या चंद्रमा से त्रिकोण में जब भी भावेश आएगा तो उस भाव के रिजल्ट मिलेंगे।
चंद्रमा से त्रिकोण में मतलब त्रिकोण, चार का त्रिकोण होता है 4, 8, 12, एक का त्रिकोण होता है 1, 5, 9, दो का त्रिकोण 2, 6, 10, फिर 3, 7, 11, फिर 4, 8, 12, ये चारों आपके त्रिकोण बने हुए हैं। तो यदि आपको ध्यान रखिए कि लग्नेश से लग्नेश को फिक्स कर दीजिए, भावेश को घुमाइए, जब भी भावेश लग्नेश की राशि पर या लग्नेश की राशि से त्रिकोण की राशि पर गोचर में आएगा तब आपको उस भाव के रिजल्ट मिल जाएंगे, तो आप कह सकते हैं कि हाँ आपका विवाह इस समय के आसपास हो सकता है। किसी भी एग्जाम्पल को आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें दूसरा भी वर्जन है कि अब अगली बार भावेश को फिक्स कर लीजिए, भावेश जिस राशि में है उसको फिक्स कर लीजिए, फिर लग्नेश को घुमाइए, तो भावेश जिस राशि में है उस राशि में लग्नेश आए गोचर में या उससे त्रिकोण में आए तो आपको रिजल्ट मिलेंगे उस भाव के। यानी दोनों केस में आपको भाव के रिजल्ट मिलने हैं, एक बार लग्नेश को फिक्स कीजिए भावेश को घुमाइए, दूसरी बार भावेश को फिक्स कीजिए लग्नेश को घुमाइए, तो आपको रिजल्ट के बारे में मालूम चल जाएगा कि ये रिजल्ट कब मिलने हैं। ये भाव सिद्धि काल के अंदर दिया हुआ है, फल दीपिका में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना, इसके थ्रू बहुत से रिजल्ट आपको मालूम चलते हैं। तो मैं इसमें आपको अभी बहुत ज्यादा नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, थोड़ा इससे ज्यादा अलग इतना ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा इसको ध्यान से समझिए, सीख लीजिए, फिर आगे बढ़ने का फायदा हम लोगों को होगा। इसको एक बार समझ में नहीं आए दो बार देखिए तो आपको समझ में जरूर आ जाएगा, गोचर पे कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन आप समझ जाएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।